छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा है जो खतबदा रहा है। अगले साल मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीन बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, और छत्तीसगढ़ में जो सियासत है वो पश्चिम बंगाल की तरह होती नजर आ रही है। बंगाल में याद कीजिए 2021 चुनाव से पहले ममता बनर्जी और तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच जो सियासी संग्राम छिड़ा था, वैसा ही कुछ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल के बीच छिड़ता नजर आ रहा है। मामला आरक्षण विधेयक से जुड़ा है। देखिए याज्ञवल्क मिश्रा की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजनीति गरमाई हुई है। 2 दिसंबर को विधानसभा में पास होने के बाद ये विधेयक राजभवन में अटका हुआ। विधेयक में अब तक राज्यपाल अनुसुईया उइके के दस्तखत नहीं होने से कांग्रेस आक्रामक हो गई है। सीएम बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आप 10 सवालों के जवाब देने के बाद भी राज्यपाल का रवैया अड़ियल है। प्रतिक्रिया देते समय बघेल के तेवर बेहद आक्रामक नजर आए। सारे अधिकारी मेरे इस बात पे विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 सवाल भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर भी मैंने राज्यपाल के जीत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता जो आरक्षण में, चाहे EWS हो, पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, सबके लिए तो वो लागू हो जाए और कम से कम इसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन अब फिर से वो बहाना ढूंढे, परीक्षण कराऊंगी, मतलब विधानसभा तो बड़े हो गए, वो विधिक सलाहकार, हम तो विधिक सलाहकार को पकड़ लेते, फिर तो कौन है भाई, वही खोजना पड़ेगा, वो विधिक सलाहकार कौन है जो विधानसभा तो बड़ा हो गया। दरअसल 10 सवालों का जवाब देने के बाद भी राज्यपाल ने मीडिया से कहा था कि अब जवाब का अध्ययन किया जाएगा और कानूनी सलाहकारों से सलाह ली जाएगी। बघेल इसी बात पर नाराज हैं कि क्या विधानसभा से बढ़कर कानूनी सलाहकार होते हैं। बहरहाल कांग्रेस ने इस मसले पर आर पार की लड़ाई लड़ने का पूरा मन बना लिया है। 26 दिसंबर को कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची थी और उन्होंने बैठक ली और तय किया गया कि आरक्षण के मुद्दे पर 3 जनवरी को कांग्रेस महारैली निकालेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि 3 जनवरी को एक बड़ी रैली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहां निकाला जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के एक धड़े ने भी 27 दिसंबर को राजभवन घेराव का ऐलान किया है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जो जवाब दिया है उसकी समीक्षा होनी ही चाहिए। वो एक समूह है जो कांग्रेस के इशारे में काम करता है, राजभवन को और राजभवन को दबाव में डालने की जरूरत नहीं है। वो जब तक एक रिपोर्ट नहीं ले लेगी और सरकार के जवाब का अध्ययन नहीं हो जाएगा, तब तक वो आगे कदम संवैधानिक स्तर से उठा नहीं सकते। दरअसल आरक्षण विधेयक पर छत्तीसगढ़ में चल रही तनातनी इसलिए है क्योंकि जानकारों के मुताबिक आदिवासी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष सत्र बुलाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन OBC वर्ग का आरक्षण भी 27% कर दिया गया। कोर्ट ने 58% आरक्षण को अवैधानिक कह दिया है, तो 76% आरक्षण का बचाव सरकार कैसे करेगी? राज्यपाल इसी बिंदु को लेकर विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं और मामला सियासी तूल पकड़ चुका है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही YouTube पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे WhatsApp नंबर 7000002414 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।